दशु कहानी। मिस्र देश में दश विपत्ति। जब याकूबोग वंश मिस्र देश में बहुत ज्यादा बढ़ गयो तो वहाँ का राजा जैथे फिरौन कूच उल उन्होंने गुलाम बना भ्रहन उन्होंने में अत्याचार कर छो। परमेश्वर मूसा और हारूनस इसराइलिन मिस्र देश गुलामी भटे छुड़ून खिन चुन छे। जब उन फिरौना के पास ज्ञान त उल उन थक्योज इसराइलों परमेश्वर इसकूच म्यार लोगों जान दे, लेकिन फिरौनल उन्हें न मानी और इसराइली लोगों न जान दिन, बल्कि उल उन्हों ज्याद मेहनतों काम करुन खिन मजबूर कर छे। फिरौन उन लोगों जान दिन खिन लगातार इनकार करने रूच, ए कारण परमेश्वर मिस्र देश में दस भयंकर विपत्ति भेजान। इन विपत्तिन का द्वारा परमेश्वर फिरौनस दिखाज कि उ फिरौन और मिस्र देशाक देवतान भटे ज्यादा शक्तिशाली छे। परमेश्वर नील नदी के पानी खून में बदल दीज, लेकिन फिरौनल फिर ले इसराइली लोगों न जान दिन। परमेश्वर पूर्व मिस्र देश में भेकुन भेजान, फिरौनल भेकुनान दूर करुन खिन मूसा थे विनती कर शे, लेकिन सब भेकुन मर जाना के बाद फिर फिरौनल अपन मनस कठोर कर लीज और इसराइली लोगों मिस्र देश बटे न जान दिन। एक कारण परमेश्वर कई प्रकार जुनून की विपत्ति भेज छे। उग बाद दासुन की विपत्ति भेज छे, तब फिरौनल मूसा और हारून बुलाच और उन्हों थे क्योज अगर तुम इन विपत्ति रोक दी त इसराइली लोगों मिस्र देश छोड़ भेन जा सकनान। तब मूसा प्रार्थना कर छे परमेश्वर मिस्र देश बटे दासुन हटा दीस, लेकिन फिर फिरौनल अपन मनस कठोर कर लीज और इसराइली लोगों मिस्र बटे जानखिन मना कर दीज। तब फिर परमेश्वर मिस्र देशाक लोगों का गोरबछान में बीमारी भेज छे, उन मरुन लागन, लेकिन फिर ले फिरौनों मन कठोर रियोज और उल इसराइली लोगों जान न दिनो। तब परमेश्वर मूसा थे फिरौना के सामने हवा में साज खितुनखिन क्योज। जब उल इस कर छे त मिस्र देशाक लोगों का शरीर में दर्द दिनवाल फड़ निकलियान, लेकिन इसराइली लोगों में कोई ले विपत्ति का असर न भ्यो। परमेश्वर फिरौना मनस कठोर कर दीज और फिरौन इसराइली लोगों न जान दिन। फिर उग बाद डाल पड़ से उल मिस्र देशक सब फसल नाश कर दीज और जो कुछ आदिम और गोरबाज भ्यार छ उन मारी जान। तब फिरौन मूसा और हारूनस बुलाज और उन्होंने थे क्योज मैल पाप कर छे, तुम लोग जा सकता। तब मूसा प्रार्थना कर छे और आकाश बटे डाल पड़ुन बंद हो गए, लेकिन फिरौनल पाप कर छे और अपन मनस कठोर कर लीज और उल इसराइली लोगों न जान दिन। तब परमेश्वर मिस्र देश में टिड्डिन का दलुन उन दीज, इन टिड्डिन ले उस सब फसल खालिज जो डालेल बची नाइक छी। फिर परमेश्वर पूर्व देश में 3 दिन तक अंधकार कर दीस, वो अन्यार इतुक ज्यादा छो कि मिस्रा लोग अपन घरुन बटे ने निकल पाया, लेकिन जहाँ इसराइली लोग रूच वहाँ उजाल छो। इन 9 विपत्तिन का बाद ले फिरौन इसराइली लोगों आजाद न कर, एक कारण परमेश्वर एक आखिरी विपत्ति भेजना योजना बना, यो फिरौना मनस बदल दे ली।